हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 10 इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो चैप्टर 4 है आपका, उसका पार्ट 10 लेके आए। दोस्तों, पार्ट 10 मैथ बहुत ही मस्त और लेवल वाली बातें होने वाली है, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। ओके, पार्ट 10 एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में चैप्टर 4 का है ना, हम कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? टू सॉल्यूशंस में हमने पहला देखा था फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन था, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन था। फिर दोस्तों एक आगे और मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और तीसरा वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला। ये तीन टाइप है, तीन मेथड है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? सो ये हमने देखा है, कोई इश्यू नहीं है। सर दोस्तों, इस साल परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपका सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है। मैं तो YouTube पे वीडियो अपलोड करूंगा ही परफेक्ट स्क्वायर मेथड की, जिससे आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए आपको। लेकिन अभी के लिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड में नहीं चला रहा हूं। तो ये हो गया। अब इसकी बारी है क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्मूला के ऊपर से आपको सॉल्यूशंस लाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है दोस्तों ये जनरल फॉर्मूला? पहले तो जनरल फॉर्मूला लाने के लिए जनरल फॉर्म लिखिए उसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है, ठीक है? मैं एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा आगे जाके कि जिसमें आपको प्रूव हो जाए कि इसके जो दो सॉल्यूशन मैं भी लिखने वाला हूं। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली टू पावर है तो टू सॉल्यूशंस होंगे होंगे। तो एक्स की दो वैल्यू है, एक वैल्यू को मैं अल्फा बोल देता हूं और एक को बीटा बोल देता हूं। बेटा बीटा बोल देता हूं। अल्फा का मतलब है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एंड दूसरा सॉल्यूशन है बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, कुछ नहीं करना, इस प्लस की जगह पे खाली माइनस आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। ओके, वेल यू नो दैट, यू नो दैट, यू नो वेरी वेल एग्जैक्टली, ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी, दिस सी इज कॉन्स्टेंट टर्म, ए एंड यू नो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली फाइनली मे आई से दैट अल्फा एंड बीटा आर द टू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज जनरल जनरल फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्मूला। ओके, अब दोस्तों इसका मतलब क्या है तो मैं आपको समझाता हूं। वेयर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू डी। इतना पढ़ा नहीं लेना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट को कभी कभी डेल्टा भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? डेल्टा भी बोलते हैं। ऐसा ट्राइंगल बना के क्या बोलते हैं? डेल्टा। कभी कभी बहुत सारी अलग अलग सीबीएसई की रेफरेंस बुक देखेंगे आप तो शायद उसमें आपको ये डेल्टा देखने को मिले, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो फाइनली दोस्तों अब आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो? सो अल्फा इज माइनस बी, सॉरी माय मिस्टेक, दिस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज योर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो अंडर रूट डी लिख सकते हैं, हाँ सर, कितना इजी हो गया सर काम। अब कभी भी मुझे अल्फा बीटा फाइंड करने का बोलता है, मैं आप सम करवा रहा हूं, टेंशन मत ले। तो पहले तो मैं डी फाइंड कर लूंगा अलग से, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को फाइंड कर लूंगा, तो इतना मुझे इसमें लिखना नहीं पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक, चला जाए। जग घूमिया जयसाना गोवी। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा हमने कुछ देखा था चैप्टर टू में, चैप्टर टू में हमने अल्फा प्लस बीटा कुछ देखा था। आपको याद नहीं है? मुझे अच्छी तरह से याद है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, याद आया कुछ? अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, याद आया कुछ?
तो दोस्तों आज हम वो प्रूव करना चाहेंगे। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अल्फा बीटा कहाँ से है वो भी बड़ी मिस्ट्री आपके लिए। तो अभी राइट नाउ मैं आपसे प्रूव करवाता हूँ कि इस पर से अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैंसिल हो गया पूरा इस सिलेबस में 2020 और 21 वाले पोर्शन में, तो ठीक है। तो भी मैं इसके वीडियो अलग से बनाऊंगा, जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं, ठीक है। चला जाए अभी के लिए अल्फा और बीटा ये है। अब मैं एटलीस्ट इतना तो आपको प्रूव करवा सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा क्या है। अल्फा देखिए माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, ये बीटा क्या है माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए। देखो दोस्तों टू ए सेम है, सेम सेम आया सेम सेम, माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी, सब ऊपर का बिंदु साथ साथ में, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस रूट डी प्लस रूट डी कौन, माइनस बी माइनस बी माइनस टू बी अपॉन टू ए जुपाक जुपाक, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी, यस हाई फाइव यस जुप हाई फाइव चला जाए, ठीक है। बेटा मोहन क्या हाल चाल, समझ रहा है। अल्फा इनटू बीटा सर, अल्फा इनटू बीटा वी नो वेरी वेल सर, सी बाय ए कैसे आया रे, चला जा अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बाय टू ए माइनस बी माइनस रूट डी बाय टू ए, ठीक है। बहुत इजीली हम जाएंगे अल्फा बीटा इनटू बीटा में। अब आपको दो मल्टीप्लीकेशन समझना आता है, वैसा करिए टू ए टू ए तो क्या आ गया फोर ए स्क्वायर हो गया माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं एग्जैक्टली यस। पूरे के नीचे में आप लिखते क्या, पूरे के नीचे में विचार है फोर ए स्क्वायर तो वो कर भाई, तू छोटा बच्चा बन के रहे लाइफ में तो फिर यार बड़ा हो गया दसवीं क्लियर हो गया है, समझ ले तू सर, वो तो हमारा मन जानता है कैसे क्लियर होगा। अकाउंट में फोर एस कर चला जाए आराम से, मल्टीप्लीकेशन कर दो, बहुत हाई फाई नहीं जाना है आपको, देसी मैथ्स कर लेंगे। माइनस बी इंटू माइनस बी क्या होएगा बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी रूट डी, इजीली इज इट रूट डी इंटू माइनस बी माइनस बी रूट डी प्लस रूट डी माइनस रूट डी माइनस बी, कितना सिंपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है बात की नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, थैंक यू, ठीक है। क्या हुआ सर फटाफट बोलो, माइनस बी बी स्क्वायर माइनस बी माइनस रूट डी प्लस बी रूट डी प्लस माइनस बी रूट डी प्लस माइनस माइनस रूट डी इंटू रूट डी डी होता है। ये देखो ये गया प्लस और माइनस। अब देखो दोस्तों अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी बचा और नीचे फोर ए स्क्वायर बचा, इतना क्यों बचा, कोई बात नहीं सर, हम तो तैयार है सर। माइनस इस डी को आप क्या बोलते थे अभी, इस डी को आप क्या बोलते थे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बोलते थे कि नहीं, जग घूमिया माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर ए सी। मैंने पहले बोला था बाहर दुश्मन है कवच बांध के रखो, बाहर दुश्मन है कवच बांध के रखो, ठीक है चला जाए माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक। अल्फा बीटा इज इक्वल टू फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर, क्या बात है सर, फोर फोर गॉन ए और एक ए गॉन, तो फाइनली जग घूमिया थर जैसा न कोई, बोल रही अल्फा इनटू बीटा क्या बोल रहा है, ठीक है दिख रहा है रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है, स्क्रीन शॉट लेना हो ले जल्द फटाफट।
शर्तों की चादरों पे मैंने है सुना वो कहीं अग जैसे जलती है। चलो अब दोस्तों एक और प्रूव करवाना है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। अल्फा माइनस बीटा इस पर से एमसीक्यूज पूछते हैं दोस्तों, समझ भी आते हैं एमसीक्यू वाले, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है हम देखते हैं, है ना। आरते वाले बच्चे लेट्स रॉक बेटा, और एवरीबॉडी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं दोस्तों, सारे बच्चों के लिए अल्फा अल्फा के है भैया माइनस डी प्लस रूट डी बाई टू। भाई माइनस है ना तो मैं तो बाहर ब्रैकेट कर ही दूंगा, कवच तैयार हो। ये बात सर अच्छी लगी मुझे कि दोनों के नीचे टू ए है ना, तो टू ए ओके कर देता हूं। अब माइनस बी प्लस रूट डी माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस रूट डी प्लस बी माइनस बी गॉन रूट डी टू रूट डी बाय टू ए। तो दोस्तों आज नया आपके लाइफ में आ गया कुछ, और अल्फा माइनस बीटा पूछते हैं, सो आपको रूट डी बाय ए लिखना है। गुड, कितनी सिंपल बात है दोस्तों, इसके सारे के सारे सम मैं करवाने जा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, लेकिन लगा कैसा बोल डायरेक्ट नहीं। हाँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इसके सम तो हमने कूट कूट के किए हुए हैं, कैसे किए थे मुझे बताओ। चलो चैप्टर टू में याद है आपको, एक तो करवा दो चलो चैप्टर टू में याद है आपको, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस पंद्रह इज इक्वल टू जीरो दे देता हूं, तो इसको कंपेयर करते थे हम, आपको याद हो तो ठीक है ना। फिर ए कितना वन, बी कितना आठ, सी कितना पंद्रह, फिर हम दोस्तों अल्फा प्लस बीटा लेते थे माइनस बी बाय ए माइनस ए, ए मतलब वन हो गया, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए पंद्रह अपॉन वन मतलब हो गया। ऐसे कुछ हमने आंसर लाए हुए हैं दोस्तों चैप्टर नंबर टू में। हाँ ये आपके लिए पूरा नया है अल्फा माइनस बीटा दोस्तों, हाँ तो ऑब्वियसली नया होगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले डी फाइंड कर देना है, फिर ए तो दिया ही होगा है ना। मान लो इसी में आपको अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके आप डी फाइंड कर लो, डी फाइंड करके उसका रूट करना है, और अपॉन में ए तो कितना है वन है, तो अल्फा माइनस बीटा भी आ जाएगा दोस्तों, कंफर्म है। चलिए बस स्क्रीन शॉट ले, चलो 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 स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दें, क्लियर है। तो दोस्तों समझ में आया आपको, अल्फा प्लस बीटा प्रूव है, अल्फा इंटू बीटा प्रूव है, अल्फा माइनस बीटा भी प्रूव है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी बाय ए, ठीक है ठीक है। चलो दोस्तों आज हम और अच्छी वजह से बात करेंगे, मुझे यही पता नहीं लग रहा है सर ये जो डी है ना डी, हाँ इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, ये तो फिक्स हो गया, जब तक आप डी फाइंड नहीं करोगे तब तक अल्फा और बीटा दोनों नहीं मिलेंगे, बोल हाँ या ना। तो ये डी है क्या, व्हाई दिस पोलारिटी, वो तो है ही, टेंशन मत ले दो। दूसरा ये डी है क्या एक्चुअली इस चैप्टर में, तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूँ कि डी का क्या औकात है, ठीक है। डी का औकात का एग्जाम्पल लेता हूँ, हाँ मैंने बनाए हुए तीन चार सम अच्छे अच्छे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, तो ए मिलेगा वन, बी मिलेगा फोर, सी मिलेगा थ्री, आपको लिखना है कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो फाइनली व्हाट विल योर डी, बी स्क्वायर चार का स्क्वायर फोर, ए है वन और सी है थ्री, सो बी इज इक्वल टू सोलह माइनस बारह, और ये हो गया चार, ठीक है डी इज इक्वल टू फोर, ठीक। अब दोस्तों डी फोर आ गया, डी फोर आया उसका मतलब कि डी जीरो से बड़ा आया, मतलब कि डी पॉजिटिव आया, यही मेन बात है दोस्तों, अभी समझ में आएगा आपको, दो मिनट रुकिएगा, दो मिनट रुकिएगा, शांति रखिएगा। अब आ जा एक और सम लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, चलिए ए कितना वन, बी कितना माइनस टू, सी कितना टू, ठीक है। डी कितना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
डी स्क्वायर मतलब माइनस टू का स्क्वायर और माइनस फोर मतलब वन, फोर ए मतलब वन, बी मतलब टू, डी इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट, और सर डी माइनस फोर आया, सर डी माइनस में आया, मुझे डी प्लस में आया और डी माइनस में आया उसमें इंटरेस्ट है, फोर फोर तो ऐसे ही आ गया, ऐसा कुछ ये इक्वेशन ऐसा आ गया इसलिए, ठीक है जरूरी नहीं है फोर ही आया, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ प्लस आया और ये माइनस आया, माइनस आया मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, तो डी का वैल्यू नेगेटिव भी आया, आ सकता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, ओके नो इश्यू सर, नो इश्यू, चलिए x square minus 2x plus 1 is equals to 0, ये जरा देख लीजिए, तो a1 b minus 2 c1, बहुत ही अच्छा सा लेवल सेट कर रहा हूं, आपका टेंशन नहीं लेना, a1 1 minus 2 का स्क्वायर 4 और ये minus 4, d is equals to 0, ओह ओह मतलब ये फिक्स हो गया, d का वैल्यू कुछ भी हो सकता है रे, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, जीरो हो सकता है, सो यदि d का वैल्यू अलग अलग आ रहा है तो दैट मींस अल्फा और बीटा भी फिर अलग अलग कुछ भी मिल सकते हैं, अल्फा माइनस में भी मिल सकता है, प्लस में भी मिल सकता है, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो दोस्त लफड़ा ये है और लोचा लबाचा ये है, वाई दिस पोलर वेरी डी, चलो तो डी जब पॉजिटिव आता है, बात मुझे ये बोलनी थी, डी जब पॉजिटिव आएगा ना याद रखना और आगे मैं प्रूव कराऊंगा, जो इसके रूट्स मिलेंगे ना, रूट्स इसके दो सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, इसके जो दो इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे ना दोस्तों, वो कैसे होंगे पता है आपको, वो होंगे रियल, रियल तो होंगे रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, है ना, जब माइनस होता है ना तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होते हैं, पॉसिबल ही नहीं होते, जब माइनस होता है डी तब, पर इसमें डी यदि जीरो होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं दोस्तों, इसका मतलब ही मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं आया हूं यहाँ पे, कुछ भी लोग पे आप टेंशन नहीं लेना, ये आप रख लीजिए आप, तो दोस्तों आपको एग्जाम में दो मार्क्स में पूछते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ओके चेक नेचर ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है कि इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे, मान लो डी का आंसर आ रहा है माइनस में, कुछ भी माइनस वन माइनस टू माइनस पचास कुछ भी, तो उसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, ऐसा उसका नेचर है, किसका इक्वेशन, डी का आंसर जीरो आ रहा है मतलब उसके रूट्स जो आगे मिलने वाले हैं वो रूट्स मतलब अल्फा बीटा जो मिलने वाले वो कैसे हैं रियल एंड इक्वल होंगे, तो आप देखिए डी जीरो यहां पे देखिए ये तो आंसर मिल जाएंगे, दो आंसर चिंता नहीं है, डी माइनस फोर है, आप डी माइनस फोर यहाँ पे रखते हो तो माइनस फोर का रूट पॉसिबल नहीं है, दसवीं स्टैंडर्ड में आपका इतना हाई लेवल है नहीं, है ना, होते आगे जाके सब करते हैं नया नया कुछ मैच में, लेकिन अभी इस स्टेज पे टेंथ में आपका माइनस फोर का रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब अल्फा मिलेगा नहीं बीटा भी मिलेगा नहीं, इसलिए बोली गया रूट नॉट रियल, ओके चलिए यहाँ पे डी जीरो हो तो सर डी जीरो है तो अल्फा या माइनस बी बाई टू है, डी जीरो है तो अल्फा बीटा आया माइनस बी बाई टू, क्या बात है सर, तो देखिए डी पॉजिटिव डी नेगेटिव एंड डी जीरो, डी पॉजिटिव आता है नेगेटिव और जीरो, जीरो में मुझे इंटरेस्ट ज्यादा है, इसमें आएगा अल्फा बीटा दोनों का आंसर क्या आएगा माइनस टू माइनस बी बाय टू, ठीक है चलिए, तो हम लगे हाथों लगे हाथों अल्फा बीटा तीनों के फाइंड कर देते हैं तो हमें ज्यादा पता चलेगा, लेट्स स्टार्ट लेट्स बिगिन, यहाँ पे दिख रहा है आपको नीचे से नीचे सॉल्व कर देते हैं, एक मिनट रुक जा भाई थोड़ा सा, हाँ तो क्या होगा आपको अच्छी तरह से दिखेगा, देखो अब आराम से स्मूथली जाएंगे हम, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाय टू ए, माइनस तो कंपनी का है और बी है चार माइनस चार, डी मतलब चार, चार का रूट दो, टू इंटू ए, ए है वन मतलब टू, तो देखो माइनस चार प्लस टू माइनस टू बाई टू माइनस वन,
अब बीटा देख लो माइनस बी माइनस रूट डी बाय टू बी, बी कितना है फोर माइनस बी चार है, चार का रूट दो बाय दो माइनस छह बाय दो मतलब माइनस थ्री। ओ ओ सर अल्फा और बीटा के दोनों के रूट्स मुझे कैसे मिले अनइक्वल मिले देख लो भैया है ना। भाई ऐसा माइंड सेट नहीं करना कि टी पॉजिटिव आया तो अल्फा बीटा पॉजिटिव आया नहीं, भाई ऐसा नहीं। हाँ एक अनइक्वल सा है देख अनइक्वल आ गया है माइनस वन माइनस थ्री दोनों डिफरेंट है इसमें आ जाए, इसमें तो रूट ही पॉसिबल नहीं है ना, रूट नॉट पॉसिबल। सो अल्फा भी नहीं फाइंड कर पाएगा तू ना बीटा फाइंड कर पाएगा। हाँ इसमें आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें डी माइनस में आता है तो आपका काम ऐसे ही हो गया आपको रूट आगे ऐसे फाइंड करने ही नहीं। अब आ जाए अच्छा टेबल रखा है बस कंपनी वालों ने चला जाए। तो अल्फा और बीटा के केस में तो डायरेक्ट यहां से मैं यदि डी जीरो ही है दोस्त जीरो ही है तो माइनस बी बाई टू ही आने वाला है, माइनस बी बाई टू आने वाला है तो कितनी गद्दा मजदूरी करूं लिख के माइनस बी कितना है इस केस में देखो बी है माइनस टू मतलब प्लस हो गया बार माइनस था और ये माइनस टू प्लस टू इंटू ए कितना है वन है टू टू गया वन। सो फाइनली अल्फा और बीटा का आंसर आया वन। बोलो अल्फा भी वन है बीटा भी वन है हाँ या ना बोल यार 99 ओके तब क्लियर कट होगी नहीं हो। तो दोस्तों इस हिसाब से हम आपका एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 14 लेंगे उसमें बहुत अच्छे अच्छे सम्स है दोस्तों वो आपको उसमें भी अल्फा और बीटा ही आपको फाइंड करना है ठीक है। लेट्स स्टार्ट स्क्रीनशॉट ले चल रहा जाने वाले हम टेंशन नहीं लेना ये थोड़ा रफ कर दो दोस्त जगह मिल जाएगी। आपका एग्जाम्पल 13 जो है बुक में उसका पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। 13 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² - 5x + 2 = 0 फाइंड आउट रूट्स अल्फा एंड बीटा एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द इक्वेशन। नेचर मतलब डी फाइंड करना डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हो तो ए इज इक्वल्स टू 3 आपको लिखना है पूरा ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करें ऐसा कंपेयर विद दिस इक्वेशन और फिर लिखना ए इज इक्वल्स टू 3 बी इज इक्वल्स टू -5 सी इज इक्वल्स टू 2 डी आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट -5² 3 2 25 और ये 12 और ये 24 डी इज इक्वल टू 1 कॉन्ग्रेट्स डी पॉजिटिव आया मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सो अल्फा माइनस बी बाय रूट माइनस बी प्लस रूट डी बाय टू है बोलिए अल्फा माइनस बी कितना है -5 तो +5 हो जाएगा रूट वन है वन डी मतलब 6 टू ए है 3 तो देखिए 6/6 वन आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b - √d/2 बहुत ही इजीली जा रहे हैं दोस्तों फिर पूरा एकदम समझो नहीं चला सकते यार एकदम ये ऐसा नहीं होता है दोस्तों पर डी एक है एक का रूट वन और ये नीचे 6 है 5 - 1 मतलब 4 4/6 मतलब 2/3 इतना इजी है। देखो दोस्तों यदि डी मुझे पॉजिटिव मिल रहा है तो रूट्स अनइक्वल है देख लो 1 and 2/3 रूट्स अनइक्वल आ रहे हैं ठीक है चला जाए। एग्जाम्पल 13 का ही दूसरा है x² + 4x + 5 = 0 इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सम दे रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ ये कर ले चलो a = 1 b = 4 c = 5 d = b² - 4ac 4 का स्क्वायर 4 ए सी 16 - 20 अरे रे रे सर डी -4 आया तो क्या लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल बस हो गया अल्फा बीटा नहीं फाइंड करने ठीक है प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको x² + 8x + 15 = 0 x² + 9x + 14 = 0 x² + 10x + 21 = 0 फाइंड आउट द रूट्स।
चार एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, है ना। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन बना के दिया है आपको, फाइंड करना, प्रैक्टिस होगा रे, प्रैक्टिस होगा छोकरा। चला लास्ट सम है, तीसरा सम है एग्जाम्पल थर्टीन का। एग्जाम्पल थर्टीन का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सम है देख, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, है ना। बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे, ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू, सी इज इक्वल टू वन, ठीक है। क्लियर, डी फाइंड कर पा रहे हो आप, माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए सी, बी है माइनस रूट टू का स्क्वायर फोर, ए है दो, सी है बी इज इक्वल टू, देखिए माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस तो प्लस हो गया, टू का स्क्वायर फोर और रूट टू का स्क्वायर टू मतलब एट हो गया, और ये है टोटल एट। ओह सर डी जीरो आया, कॉन्ग्रेट्स, डी जीरो आया मतलब सर इक्वल आ रहा है, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस टी बाई टू ए लिख देंगे हम, कुछ माथा गोल में नहीं जाना है क्योंकि टी तो जीरो ही है, तो ये फॉर्मूला लगाएगा तो ऐसे भी टी तो जीरो ही आना है ना। माइनस बी कितना है, माइनस टू रूट टू है तो ये प्लस हो गया, ए कितना है, ए है दो, तो देखिए टू से टू गया, ऊपर रूट टू है नीचे टू है मतलब उसको भी रूट टू लिख सकते हैं, गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा वन अपॉन रूट टू। बोले डन, क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो रही है, बोलो आया ना। अरे यार एक बार ईमानदारी से आया ना बोल दे यार, ठीक है चलो मैं बोलो ऑर्डर। चलो आ जाओ आ जाओ, एक्स्ट्रा सम्स पे आ जाओ। तो ए इज इक्वल टू वन बाई टू, बी इज इक्वल टू माइनस रूट इलेवन, सी इज इक्वल टू वन, सिंपल है बहुत इजी, समय टेंशन नहीं लेना। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, रूट इलेवन का स्क्वायर माइनस फोर, ए है टू और सी है, तो डी इज इक्वल टू रूट इलेवन का इलेवन माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये टू टू जा फोर माइनस टू, तो बी का वैल्यू आ गया नाइन। मतलब कि सर हम क्या कर पाएंगे लाइफ में, यस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। चल आ जा अल्फा बीटा फाइंड कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी बाय टू ए, माइनस बी कितना है रूट माइनस रूट इलेवन मतलब प्लस हो गया रूट इलेवन, प्लस डी है नाइन, नाइन का रूट हो गया थ्री, टू ए टू और ए कितना है वन अपॉन टू, जुपा का जुपा, तो रूट इलेवन प्लस थ्री हुआ, इतना इजी है देखो, बीटा के हो गया माइनस बी माइनस रूट बी बाय टू ए, रूट इलेवन माइनस थ्री बाय टू, वन बाय टू ऑन ऑन रूट इलेवन माइनस थ्री, इतना इजी है कॉन्सेप्ट, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट की नहीं हो रहा है, अने 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 चल ठीक है आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। ये थोड़ा टफ सम है, थोड़ा टफ सम है, ज्यादा तो नहीं, ठीक है ना। चला ए इज इक्वल टू रूट थ्री, बी इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू, सी इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री, तो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब माइनस टू रूट टू का स्क्वायर फोर, ए मतलब रूट थ्री, सी मतलब माइनस टू रूट थ्री, बी इज इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर रूट टू का स्क्वायर टू मतलब हो गया एट, माइनस माइनस प्लस फोर टू जा एट, रूट थ्री थ्री एट थ्री सर ट्वेंटी फोर, डी इज इक्वल टू बत्तीस आ गया है दोस्तों, बत्तीस को मुझे जरूर पड़ेगी तो सोलह दूनी बत्तीस लिख पाऊंगा, सिक्सटीन टू चार बत्तीस लिख पाऊंगा, ठीक है। चलिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाय टू ए, माइनस बी, बी कितना है ऑलरेडी कंपनी का माइनस है और ये माइनस है मतलब प्लस हो गया टू प्लस रूट डी, रूट डी मतलब रूट बत्तीस मतलब सोलह दूनी बत्तीस, ए कितना है रूट थ्री, बहुत ही इजीली जाएंगे हम, टेंशन नहीं लेना आप, कहां वापस लिख रहे हैं टू रूट टू प्लस, ये देखो रूट सिक्सटीन बाहर आ जाएगा तो फोर रूट टू, ठीक है
और नीचे टू रूट थ्री, आराम से देख टू रूट टू एंड फोर रूट टू, टू रूट टू फोर फोर रूट टू कितना आ जाएगा सिक्स रूट टू बाई टू रूट थ्री, आराम से देखना अभी यहीं पे तो लूज जाए सब, टू थ्री जा सिक्स, थ्री है थ्री को मैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख पाऊंगा, थ्री को मैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख पाऊंगा, रूट टू तो था ही ये गया गया। चलो दोस्तों फाइनली अल्फा क्या आएगा रूट सिक्स आ जाएगा, बने रूट थ्री इंटू रूट टू लिख पाए तो प्रॉब्लम नहीं है, बी बाय टू ए टू रूट टू माइनस फोर रूट टू, ज्यादा मुझे करना नहीं पड़ेगी सब माथा कोट, सामने से अच्छे होशियार बच्चे हो उससे पा माइनस रूट टू बाई रूट थ्री आप ऐसे भी लिख पाते हो, हाउस दैट क्लियर है, तो माइनस रूट टू बाय थ्री, ऐसे छोटे छोटे अच्छे अच्छे सम्स मैं आपको प्रैक्टिस में भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। अभी आपका एग्जाम्पल जो 14 है आपकी टेक्स्ट बुक में उसकी मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, और बहुत अच्छी और लेवल वाली बात है, टेंशन नहीं लेना चला जाए। पहला क्वेश्चन है उसका x प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू थ्री, सॉल्व कीजिए चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, x को इधर भेज देंगे इसको इधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स, ओ बहुत इजी हो गए तो होमवर्क में होमवर्क कर लेना टेंशन। दूसरा क्वेश्चन 1 upon x minus 1 upon 3, 1 upon x minus 1 upon x minus 2 is equal to 3, कुछ नहीं इसको इधर भेज दो, सब करवा चुका हूं मैं, ये गया इसको इधर भेज दो minus 2 3x square माइनस सिक्स एक्स, बोल नहीं समझ में आ रहा है क्लियर है बातें, ये यहां पे बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये उधर गया ना ठीक, अब तो तू होशियार है एकदम कंप्लीट, ए इज इक्वल टू थ्री बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स सी इज इक्वल टू टू, अपने आप से फटाफट ऐसे छुट्टियों करने का पहला फीलिंग है कि माइनस छह का स्क्वायर छत्तीस, छत्तीस माइनस चार और तीन और ये दो, छत्तीस माइनस फोर दिस इज 12 12 दिस इज 24 36 माइनस 24 मतलब 12 है ना, 36 और 24 6 और 6 12 डन, बोल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस आगे अल्फा और बीटा तो तू बहुत ही ईमानदार है मुझे पता है अपने आप से करेगा है ना, एक एक्स्ट्रा सम लेता हूं फिर हम फिनिश करते हैं। चलो आज आज का लेक्चर की समाप्ति की घोषणा करूं, 14 अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस वन वन अपॉन सॉरी 5 अपॉन एक्स प्लस वन, अच्छा लेवल वाला सम है दोस्तों, आज सिखा दूं तुझे लेवल वाला सम, ये लेवल वाला सम ना, चलो चलो डन 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 क्लियर है। अब दोस्तों पहले तो इसको यहां पे भेजो शांति से, तो देखो 14 माइनस है बाहर दो जने हैं, कवच बना के अंदर भेज, फोर्टीन माइनस एक्स माइनस थ्री मतलब 11 माइनस एक्स एक्स प्लस थ्री, कितना कॉम्प्लिकेटेड हमको लगता है लेकिन है कुछ नहीं रे दोस्त, इसको इधर भेज इसको इधर भेज, जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है उसमें आगे इतना इजी हो जाता है आगे, 11x 11 इंटू 1 11 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स वन सा एक्स 5x प्लस 15, शांति से आराम से कोई उतावल नहीं है, गणित का कितना क्या तेरे को 11x माइनस एक्स 10x माइनस एक्स स्क्वायर सामने जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये पांच एक्स है दोस्त और ये माइनस दस एक्स हो जाएगा, पांच एक्स तो ऑलरेडी है और ये दस एक्स सामने जाएगा तो माइनस दस एक्स क्या हो जाएगा माइनस पांच एक्स, ये 15 है और ये 11 सामने जाएगा तो 4 हो जाएगा सर, क्या बात है क्या बात है,
एकदम इजी हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था हमें, हो गया कि नहीं इजी? अरे आप 15 - 11 = 4 हो गया ना। अब तो सर हम बादशाह है, बादशाह हो बादशाह बादशाह, आशिक हूँ मैं कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। डीनो आ गया भैया, तो अल्फा ढूंढ पाओगे आप और बीटा ढूंढ पाओगे। मैं जरूर से चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, किसमें लिखे? कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 4 बहुत ही मस्त लेवल वाला चैप्टर है, और इसका नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, जितना अच्छा नोट्स बनेगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको एग्जाम में आएगा दोस्तों। वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, मैं प्रैक्टिस के लिए समय देता रहूंगा, टेंशन नको करो। और इससे भी टफ लेवल के, हाई लेवल के लिए नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी टफ लेवल के समय लूंगा, टेंशन नहीं लेना दोस्त। ओह चल, थैंक यू वेरी मच, बाय।